हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से वीडियो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के ऊपर। इनको भी मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा रियलिटी चेक करवाना पड़ेगा। जब तक लोगों को रियलिटी चेक ना करवाओ, इन लोगों को समझ नहीं आता। इनका एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पर, ये हिंदुस्तानी भाव और शुभम मिश्रा को रिप्लाई करते हुए बोल रहे हैं कि खैर जो भी बोल रहे हैं, मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ। कश्मीर हमारा है इंशाल्लाह और हमारा रहेगा। तुम क्या कश्मीर दोगे हमें? तुम लोग क्या कश्मीर दोगे जब तुम लोगों के पास कश्मीर है ही नहीं? अगर कश्मीर तुम लोगों का होता तो वहां पे अपनी आर्मी ना खड़ी की होती। अगर कश्मीर तुम लोगों का होता तो पिछले हफ्तों 30 से 40 आर्मी के नौजवान जो तुम लोगों के मारे गए वो ना मरते। अगर कश्मीर तुम लोगों का होता तो आज वहां पे लॉकडाउन ना होता। अगर कश्मीर तुम लोगों का होता तो आज पूरी दुनिया के अंदर ये मसला ना चल रहा होता। जाके हिस्ट्री पढ़, कश्मीर तो इंडिया के अंदर था ही नहीं और कश्मीरी तो कभी तुम लोगों को मानते ही नहीं है। चाहे पूरे कश्मीर के अंदर लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन वो तुम लोगों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, इंडिया को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, ये याद रखना। तुम लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। कश्मीरियों कुछ भी फालतू बकवास, वही बेसलेस बातें। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये लोग पाकिस्तान वाले अगर कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे तो इन लोगों का खाना हजम नहीं होगा। मैं भी इन लोगों के ऊपर बात करते करते थक चुका हूँ। और अभी जो तुझे लग रहा है कि कश्मीर में लोग बहुत परेशान हैं, जो तुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उसका भी रियलिटी चेक मैं तुझे करवा देता हूँ। उसके लिए भी ये वीडियो देख लीजिए। के पास में मौजूद एक छोटे से गांव में मौजूद है। अब मुझे पहले तो ये बताइए आप कि कश्मीर का मतलब क्या है? कश्मीर का मतलब क्या सिर्फ श्रीनगर है या कश्मीर आपके गांव को भी लेता है और इससे आगे भी चीज़ों को ले जाता है? कश्मीर सर पूरा आता है। कश्मीर तो कश्मीर से लेकर आगे चकवाली तक आता है। चकवाली में कश्मीर एंड हो जाता है सर। जम्मू से लेकर, कश्मीर से लेकर यहाँ से चकवाली में एंड हो जाता है कश्मीर। अब कश्मीर के मायने जो देश को बताए और समझाए जाते हैं श्रीनगर से, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, वहाँ जो झंडे लहराते हैं, वहाँ जो अलगाववादी बातें करते हैं, क्या वही कश्मीर का सच है? नहीं सर, सच तो नहीं हुआ, सच बात तो नहीं हुआ, गलत बात सर। हम तो अपनी मुसीबत में फंसे सर। 6 महीने यहाँ तो बर्फ पड़ता है, 6 महीने हम वो अपना जो राशन का कोटा है, पशु वगैरह जो है उनको खिलाने का जो चारा है वही जमा करते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ। क्या यहाँ भी कभी आज़ादी के नारे लगते हैं कि आज़ादी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगाए सर हमने नारे, ना हमने मिल्टन देखा है आज तक, ना देखेंगे आज इसके बाद। कार और खुद को जनता का सेवक कहने वाले नेता कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली ज्यादती को लेकर अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन सच क्या है ये गुरेज के देशभक्त कश्मीरियों से सुनिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं BSF यहाँ पर मौजूद है, आपको हेल्प किस तरीके की मिल रही है? हर तरफ की सिर्फ जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है सर, हम फौज के पास जाते हैं सर, हेल्प के लिए हम इनको मांगते हैं सर, हेल्प मांगते हैं, हेल्प का इन्हीं को बता देते हैं। जैसे हमारा गांव में कोई आग लग जाए तुरंत हमारी यहाँ तक पहुँचे BSF, दौड़ तो इनके पास है, ये आते हैं। आप BSF की बात कर रहे हैं लेकिन हमने दिल्ली में, आर्मी में भी, हाँ मतलब BSF आर्मी की भी बात कर रहे हैं, आर्मी है सर। दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं तो दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे देश के सुरक्षा बल हैं वो बड़े अत्याचार करते हैं कश्मीर वालों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या BSF में, हम दौड़ के जाते हैं, कोई मेडिसिन लाना होगा, कोई मजबूरी होगी, जहाज लाते हैं, वही बेचारे हमारी कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत हम शुक्रगुजार हैं फौज का, बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ, जहाज का सिविल का जहाज नहीं होता कभी, हम आर्मी में जाते हैं कभी BSF में जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जहाज बुलाते हैं। बेटा तूने आसिम रियाज का नाम सुना? कौन है आसिम रियाज? कश्मीर से आता है।
कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। मुंबई कहाँ है? इंडिया में है। कुछ भी, वो इंडिया से प्यार करता है, इंडिया के लोग उससे प्यार करते हैं। व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना? बेटा ये कश्मीर 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 का रोना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। सच में मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा है। क्या है, 70 साल से तो रो रहे हो, कितना रोग? उसी तो वैसे ही भीख मांगो यार, वैसे भी तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता ही है, भीख मांगने की तो तुम लोगों की आदत है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, इसमें नया कुछ नहीं है। तो भीख मांगो यार, भीख मांगो, जैसे तुम्हारा प्रधानमंत्री अमेरिका से भीख मांगता है, चाइना से भीख मांगता है, तो भीख मांगो, वही औकात है तुम्हारी, इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है। देखो यार, मैं तुम्हें गाली गलौज नहीं कर सकता, देखो मेरा वो स्टाइल भी नहीं है, ठीक है? फालतू की बकवास करना बंद कर दे, कश्मीर 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 का रोना बंद कर दे। उनका क्या, कश्मीरी पंडितों के बारे में तो तूने कभी कुछ नहीं बोला, उनके साथ जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, उन्हें मारा गया, उन पर भी बोल, उन पर कोई बात नहीं आती? जो पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हो उस पर बोल, उस पर भी कोई बात नहीं आती? बलूचिस्तान में जो तुम लोग लोगों को यातनाएं दे रहे हो, वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, उस पर बोल। बंद कर दे, ठीक है ना? अपना अपना मजाक ना बनवाओ बेटा, अपने देश का मजाक मत बनवाओ। दोबारा तू कुछ बोलेगा तेरी मैं ऐसे ही इज्जत उतारूंगा, ठीक है?